मैं सर एमएससी अपनी परस्यू कर रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी से लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो सर मेरे पास थ्योरी नॉलेज थी क्योंकि मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास थ्योरी नॉलेज थी पूरी सोलर की एंड उसके अलावा बायोमास और विंड एनर्जी के सबके बारे में पूरी थ्योरी नॉलेज थी, पर प्रैक्टिकल नहीं था। यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल कराया जाता है पर वो इतना नहीं कराया जाता क्योंकि मैं ग्राउंड में उतार के कराया जाए, जो कि हमने यहाँ पे मिला उसका मुझे बेनिफिट मिला। उसके अलावा वायरिंग्स के बारे में मैंने सीखा जो कि अमूमन कोई नहीं सिखाता। स्कूल में हमने सीखी होती है कि वायरिंग ऐसे होती है बस, उसके बाद में कुछ नहीं पता होता। हमने वायरिंग यहाँ पे सीखी जो कि कहीं ना कहीं मेरे हमारे लिए बेनिफिशियल थी। उसके अलावा एलईडी झालर जो सब बता चुके हैं जो कि चंचल सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया, उनसे बेहतर नहीं सिखाया जा सकता। मैं इसके लिए उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि सबसे अच्छा उन्होंने सिखाया। और उसके अलावा सर आगे का मेरा प्लान है कि पहले मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है, जैसा कि अनूप कहा है कि अभी हमारे पास केवल एक रॉ मटेरियल है, हम लोग हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, कैसे उतरना है, कैसे डील करना है। तो उसी के लिए मैं अलग अलग फील्ड्स में उतरूंगा, जैसे कि मैनेजमेंट से लेकर के रिसर्च डेवलपमेंट एंड सेल्स फाइनेंस सब कुछ, हर एक चीज़ के मैं 6-6 महीने की इंटर्नशिप लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में फिर मैं अपना बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। मेरा नाम दिव्या ठाकुर है, मैं एमएससी रिन्यूएबल एनर्जी लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। और यहाँ जब हम लोग आए थे विजिट के लिए तब हमें पता चला था यहाँ की ट्रेनिंग होने वाली है, तो हमने ज्वाइन कर लिया, गोवर सर के थ्रू पता चला था। और जो पल्लवी मैम ने क्लासेस ली थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जो जिसकी वजह से बहुत ही पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर बना है, हम लोग घुल मिल पाए और एक सीखने का माहौल बना, वो भी काफी वर्क किया। उसके बाद चंचल सर ने भी टेक्निकल नॉलेज शेयर किया जिस हमें जान के अब कॉन्फिडेंस भी आ गया, एलईडी बल्ब भी बनाने को मिला जो हम लोग अगर घर पे खराब हो जाती तो मेंटेनेंस तो कर ही सकते हैं। और आपके सर ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो कि काफी नॉलेजेबल लगे और इन्फॉर्मेटिव थे काफी। और इस ट्रेनिंग के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आया जिसकी वजह से मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगी।